जान रुक जा दो घड़ी भर, पांव रखना ना जमीन पर, थोड़े गड्ढे और मैं बिछा दूं तेरी राह में। ये जो गाना है वो तो जुबिन नौटियाल ने गाया था और टी सीरीज ने इसे लॉन्च किया था। फिलहाल इस पे 1 बिलियन व्यूज हैं और मैं आपको बताना चाहूंगी ये गाना हमारा आज का मुद्दा नहीं है। हमारा जो मुद्दा है वो है ये गड्ढे जो नगर निगम ने फरीदाबाद को तोहफे में दिए हुए हैं। जैसे कि जुबिन नौटियाल ने कहा था कि तारे मैं बिछा दूं तेरी राह में, पर नगर निगम ने यहाँ पर हमारे लिए गड्ढे बिछा रखे हैं। इस गड्ढे में गिर के कई लोगों के हाथ पैर टूट चुके हैं और कई एक्सीडेंट भी हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि फिलहाल ये 15 दिनों से यहाँ पे, तकरीबन 15 दिनों से यहाँ पे खुला हुआ है और यहाँ पे एक हादसा भी हुआ है और छोटे बच्चे भी यहाँ खेलते रहते हैं तो उनके गिरने का भी डर यहाँ पे लगा रहता है। तो जैसे नगर निगम ने फरीदाबाद में कूड़ा मुक्त फरीदाबाद का अभियान चला रखा है, तो क्या वैसे ही फरीदाबाद कभी गड्ढे मुक्त हो सकता है? फरीदाबाद में ऐसे कई और गड्ढे हैं जहाँ पर जो कि लोगों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। ये गड्ढा एकमात्र, ये गटर का जो ये सीवर खुला हुआ है ये एकमात्र जगह नहीं है। फरीदाबाद में और भी ऐसे बहुत सारे गटर हैं। ये गटर पे हमारी तकरीबन काफ़ी लंबे समय से नज़र बनी हुई है। हमारे सहयोगी हैं सोनू प्रताप जी, वो उनकी नज़र इस खबर पे काफ़ी लंबे समय से है और उन्होंने इस पे एक हमारे फेसबुक पे भी आपने देखा होगा एक पोस्ट भी डाली गई थी। क्या वजह है कि अभी तक नगर निगम प्रशासन ऐसे जो गड्ढे गटर खुले हुए हैं और जो जानलेवा गटर हैं उन पे अपनी निगरानी नहीं कर रहा है? और साथ ही यहाँ पे हमारे सामने एक, हमारे साथ एक यहाँ के रहने वाले हैं, इनसे भी जानते हैं हम सर ये गटर कब से खुला हुआ है। ये जो होगा इसको 20 दिन कम से कम, और एक गाड़ी का टायर फट गया, एक गाड़ी पलटने से बच गई, एक मोटरसाइकिल वाले का बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसका हाथ पैर टूट गया जी। अच्छा। हाँ, और स्कूटर बाइक वाले रोज इसमें गिरते हैं जी। तो और आप लोगों ने इसकी कोई शिकायत वगैरह नहीं की? नगर निगम वाले खोल के चले गए हैं पर बंद क्यों नहीं किया उन्होंने? पता नहीं, ये सेट मालिक यहाँ बता रहे थे कि ना ऑनलाइन इन्होंने शिकायत कर रखे, कोई वहाँ से रिप्लाई नहीं आया जी। तो जैसा कि आपने सुना तकरीबन 20 दिन से ये गटर यहाँ पे खुला हुआ है और इनका कहना है कि एक व्यक्ति का यहाँ पे गिरने से उसके हाथ पैर भी टूट गए हैं। यहाँ पे कुछ और स्थानीय निवासी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि ये गड्ढा कब से खुला हुआ है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट भी हो गया था, किसी की गाड़ी का टायर भी फट गया था, तो उनसे भी हम जानते हैं कि क्या ये गड्ढा कब से खुला हुआ है यहाँ पे? यहाँ कम से कम 15 दिन 15 दिन हो गए। हाँ। और यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी भी एक्सीडेंट हुआ है अभी पिछले दिनों? एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, पर जैसा तेज गाड़ी नहीं लाते मोटरसाइकिल है, इसे दिखा नहीं तो वो उछल गया है। 20 दिन 15-20 दिन हो गए हैं तो कोई आया नहीं इसे भी बंद करने के लिए? कोई नहीं आया, आते हुए बच्चों में तो पता लगे जी। रोड ये रात दिन चलता है, ये सारा पानी भरा रहता है यहाँ, इतना कीचड़ हो रहा, गाड़ी भी देखो तो देखता ही नहीं है, जमादार ही नहीं आते हैं सफाई करने के लिए। आपकी फैक्ट्री के सामने ये गटर खुला हुआ है तकरीबन कितने दिन से होगा? 8-10 दिन हो गया ये तो। 8-10 दिन हो गए अभी तक यहाँ पे। आपके जैसे सामने वाले बता रहे हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह भी हुए हैं। काफी हो रहे हैं एक्सीडेंट डेली होता है। तो आप लोगों ने कोई शिकायत वगैरह कुछ की है? शिकायत किससे करें, सब लोग यही आते जाते हैं। खुला हुआ है ये, खुला किस लिए गया था? खोला कोई नहीं, चलते चलते टूट गया और गटर को। जो रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ ये जाता है सहारन की ओर, और ये जो रास्ता है यहाँ से ये जाता है डबुआ सब्जी मंडी की ओर। आप अगर इस रास्ते पे आ रहे हैं तो यहाँ आते हुए सावधान रहिए क्योंकि ये गड्ढा आपका इंतजार कर रहा है। नगर निगम ने इसको यहाँ पे तैनात किया हुआ है आपके लिए, तो आप ऐसे ही सावधान रहें, सतर्क रहें और जुड़े रहें पाइनियर हरियाणा के साथ।